हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गरम थाली में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, चिलचिलाती गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे मौसम में सबका मन करता है कुछ ठंडा पीने का। ऐसे में ही आपके लिए मैं घर में तैयार होने वाली बहुत ही आसान सी दो समर ड्रिंक्स की रेसिपी लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कटोरी के अंदर 4 से 5 गोंद के तरह के दाने लिए हैं। इसके अंदर मैं ऐड करूंगा 1 गिलास पानी और इसको मैं तकरीबन 4 से 5 घंटे भीगने के लिए रखूंगा। ये हमारा 4 से 5 घंटे भीगने के बाद में गोंद के तरह की कुछ कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि दुकान से जब हम खरीद के लाते हैं तो गोंद के तरह कुछ इस तरीके से दिखता है और भीगने के बाद में ये कुछ जेली टाइप बन जाता है। तो चलिए इसको अलग रख देते हैं। इसके बाद एक यहाँ पर मैंने लिया है कांच का कप, इसके अंदर मैं 3 से 4 चम्मच गोंद की तरह जो भीगा हुआ इसको मैं ट्रांसफर कर लेता हूँ। इसके ऊपर यहाँ पर मैं छिड़कूंगा थोड़ा सा सेफ्रॉन, ये जिसको केसर बोल सकते हैं, और थोड़ा सा क्रश किया हुआ पिस्ता। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब गोंद की तरह के बहुत सारे फायदे हैं, खास करके गर्मी के दिनों में जिसके हाथों और पैरों में जलन होती है या जिसकी नक्सी चढ़ जाती है तो उनमें ये बहुत ही फायदा करता है। इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जिसकी वजह से ये भूख को कम करता है। जिसको वेट लूज करना ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर 1 गिलास के अंदर मैंने ऑलरेडी नींबू पानी बना के रखा हुआ है और दूसरे ग्लास में मैं ऐड करूँगा खस शरबत जो मैंने बाजार से खरीद के लाया हुआ है। इसके 3 से 4 चम्मच मैंने ग्लास के अंदर ऐड किए हैं। इसके अंदर ऐड करूँगा मैं कोल्ड वाटर, आप चाहे तो इसके अंदर कुछ आप आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। इसको चम्मच की सहायता से मैं अच्छी तरह से हिला लूँगा। इसके बाद ये हमारा गोंद का तेरा हमने जो एक कप के अंदर ट्रांसफ़र किया था वो मैं 1 गिलास के अंदर 1 चम्मच या 1.5 चम्मच, इससे ज़्यादा आप इसमें ऐड नहीं करेंगे। ये नींबू पानी में मैंने 1.5 चम्मच मिक्स किया है, अच्छी तरह इसको स्टेयर कर लेंगे। सेम इसी तरह जो खस शरबत हमने बना के रखा इसके अंदर भी मैं 1.5 चम्मच गोंद तरह के ऐड कर लूँगा और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पर रखे हैं पुदीने के पत्ते। एक बार ये मेरे कहने पे आप घर में बना के ट्राई कीजिए और पीने के बाद कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। अगर अच्छी लगे तो इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।